हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे साइंस नाइन्थ पे। जैसा कि आप जानते हो, हमने सेल को डिफाइन किया हुआ है आपके साथ, हमने इवन डिफरेंशिएट किया है प्लांट सेल को एनिमल के साथ, एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स ऑफ सेल को डिस्कस किया हुआ है। आज जो है हम सेल के एक प्रोसेस, जो सेल में जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका फंक्शन कैसे, वो क्या करता है, कैसे होता है, हमारे एक टर्म जो आती है इसमें वो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है आपको ये पता है, लेकिन हम दो चार एक्टिविटीज करेंगे इसके लिए। विल परफॉर्म सम एक्टिविटीज ओवर हियर एंड इफ यू आर इंटरेस्टिंग यू विल रिपीट दोज एक्टिविटीज ऑन योर ऑन प्लेस मीन्स एट होम। इट रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट्स, नो लैब इज नेसेसरी। यू कैन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज ऑन योर ऑन प्लेस मीन्स सिंपल, यू नीड नथिंग बट वट वी आर यूजिंग इन अवर किचन्स, बट वी वट वी ईट, दैट इज कॉमन एग्जाम्पल। वी विल took the examples from those substances, from those with the help of we can perform activities with the help of those things which are available at everywhere, at every place. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what is osmosis. तो osmosis is defined as special kind of diffusion in which molecule moves from region of higher concentration of water to a low concentration, to a region of low concentration of water through semi-permeable membrane. तो आपने डेफिनेशन लिखी होगी, डेफिनेशन को मैं दोबारा से पढ़ूंगा और आपको डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगी। आप अगर इस वीडियो के साथ में क्लिक करेंगे हमारे एडिट्स को, वहां से आपको नोट्स मिल सकते हैं, लेकिन दोबारा से आपके लिए मैं इसको दोहराऊंगा। इट इज डिफाइंड एज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारी एक टर्म जो है वो डिफ्यूजन आई, डिफ्यूजन। तो हम दोनों टर्म्स को एक साथ जो है वो निभाएंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे तुम्हारे साथ। सपोज आप क्या कीजिए, टेक ए गिलास और टेक ए बीकर, फिल दैट बीकर विद वाटर। एक बीकर लीजिए, उसमें उस बीकर को पानी से भर दीजिए। नाउ फिल सॉल्ट, नाउ फिल सॉल्ट टू दिस वाटर। जब आपने सॉल्ट इसमें डाला, व्हेन यू विल पुट सॉल्ट इन ए बीकर विच इज फिल्ड विद वाटर, ऐसा बीकर जो वाटर जिसमें भरा हुआ है, वाटर से फिल है, और हम इसको ऐड सॉल्ट करते हैं, तो वी विल सी द सॉल्ट इज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड मींस ये पूरा हल हो जाएगा, ये इधर उधर चला जाएगा, पानी के पार्टिकल के साथ मिल जाएगा, इसी का नाम डिफ्यूजन है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। हमने लिखा कि एक डिफ्यूजन होगा इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम
हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी ये डिफ्यूजन की बात आ गई कि डिफ्यूजन होता है, अगर हम बोल देंगे कि हमने अगरबत्ती को जलाया, तो अगरबत्ती को जलाया तो उसकी स्मेल जो है वो दूर तक चले जाती है, थोड़ी जैसे हवा में भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसको भी हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। लेकिन यहां डिफ्यूजन हुआ, ये जो पार्टिकल्स मूव हुए तो मींस डिफ्यूजन हुआ। अब हमने चूंकि ऑस्मोसिस को देखना है, तो ऑस्मोसिस इज ए डिफेक्ट, ये एक डिफेक्ट टर्म है, तो हम कैसे बोलेंगे कि इसमें एक आप बीकर लो, अब बीकर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक इसको पार्ट इसके बीच में एक मेम्ब्रेन डाल दो, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो वो इसके बीच में डाल दो। तो अब क्या कर रहे हैं हमने कि ये जो पानी से भर देंगे हम दोनों साइडों में, इसमें हमने सॉल्ट दोबारा से डाल दिया, सॉल्ट जब दोबारा से डाल दिया इसमें हमने, तो सॉल्ट जो है जब पानी में जाता है तो इसका कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर लेस हो जाता है, कम हो जाता है, और यहां जो इस साइड का पानी है वाटर है ये इसका कंसेंट्रेशन जो है वो हाई है। और जो है आप जानते हैं कि हमारा जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ये इस तरह की बनी हुई होगी आपको, तो ये इसके सेल हैं, तो यहां से ब्रेकअप होके पानी अंदर जाता है, तो इसके अंदर जाएगा जब पानी, तो मींस इसके अंदर भी सुराख है, सुराख देखे नहीं जाते। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी स्किन जो है, स्किन कंटेन्स पोर, पूरा जो भी जिसका स्किन है, ऑल द स्किन कंटेन द पोर्स, सुराख होते हैं, थ्रू विच द स्वेट कम्स आउट, लेकिन इफ इट हैपन्स दैट वी विल रिमेन आवर्स टुगेदर इन ए वाटर, द वाटर विल नॉट इंटर इनसाइड द बॉडी। सपोज द स्किन विच इज ए सेमी परमिएबल, नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज सेमी परमिएबल, व्हाट इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल क्या होता है, सेमी मींस हाफ, सेमी मींस हाफ, जो आधा जाने दे आधा आने दे, मींस ये उन्हीं चीजों को एलो करती है विच आर यूजफुल फॉर द थिंग। जैसे हमारी स्किन जो है इट इज सेमी परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल, सपोज व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी दैट विल कम आउट ऑफ द पोर ऑफ द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेटिंग होगा, पानी बाहर आएगा, हम चलेंगे बाहर, हमें बाहर का टेम्परेचर हाई है, पानी हमें चाहिए फॉर कूलिंग पर्पसेस, कि हमारी बॉडी कूल हो जाए, तो वाटर विल कम फ्रॉम इनर साइड टू आउटसाइड, बट व्हेन वी फील कोल्ड, सपोज वी आर इन ए रूम एंड वी फील कोल्ड, एंड व्हेन वी फील कोल्ड वी गो नियर टू द सोर्स ऑफ हीट, और वी गो इन बिफोर द सनलाइट, एंड व्हेनेवर वी सिट इन द बिफोर द सनलाइट व्हाट हैपेंस, द सनलाइट फॉल्स ऑन आवर स्किन एंड आवर स्किन विल अलाउ टू गो टू इनसाइड द बॉडी, इट इज सेमी परमिएबल, हमारी बॉडी इंटरनल साइड से ठंडी है, एंड दैट मींस हीट, और वो हीट जो है दिस स्किन विल अलाउ द लाइट टू गो इनसाइड, लाइट नहीं उसमें जो इंफ्रारेड रेज हैं व्हिच हैव कैपेसिटी टू हीट द ऑब्जेक्ट्स, मींस दोस इंफ्रारेड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्किन एंड इट विल गो इनसाइड, बिकॉज
the heat is needed internal side of the body. So same is the case here, over here, that semi-permeable membrane, it can allow only those things to come inside which are necessary for that, and it will allow those things to go outside which are not necessary for that. So ye dusri hai. To hum tisra iska jo hai example aise bhi kar sakte hain. Aap le lijiye ek mein aap ek bowl lo, katori lo, dusri bowl lo, usme bhi isko bhi pani se bhar do, isko bhi pani se bhar do. Now two potatoes, ek potato jo hai, potato ek ko boiled potato lao, boiled potato to dusre mein isme dal ke boiled potato mein cavity bana lijiye aur usko pani mein dal dijiye. Ye boiled potato hai aur ye jo hai unboiled hai, kacha aloo hai, unboiled potato, isko bhi cavity bana ke isko bhi pani mein rakh dijiye. Phir cavity mein jahan boiled है इसकी कैविटी में भी साल्ट रख दो और फिल दिस पोटैटो आउटसाइड विद वाटर. और सेम इस केस में भी करो जो अनबॉइल्ड है इसमें भी अंदर से कैविटी के अंदर आप साल्ट डाल दीजिएगा और बाहर से फिर पानी डाल दो. अब जो साल्ट इनसाइड द कैविटी है इन बोथ द सिचुएशन, इन वन सिचुएशन देयर इज अ बॉइल्ड पोटैटो एंड इन अदर सिचुएशन देयर इज अनबॉइल्ड पोटैटो. Now there is a difference in the osmosis. It is why we will conclude it on later on. तो पहले क्या होगा कि जहाँ boiled potato है, इसमें पानी का movement नहीं होगा. पानी इसके अंदर भी हमने salt डाला हुआ है, इसमें भी अंदर हमने salt डाला हुआ है और इसमें भी डाला हुआ है. Unboiled में concentration जो है पानी की वो बढ़ जाएगी और वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इसकी स्किन जो है दैट इज सेमी परमीएबल. एंड इन बॉइल्ड पोटैटो में जो है बॉइल्ड पोटैटो में व्हाइल बॉइलिंग इसकी स्किन जो है जो मेम्ब्रेन इसकी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई बॉइल करने से, तो इसमें ये नहीं जाएगा. फिर दूसरी एक एग्जांपल आपकी है कि आपके घर में आप सलाद बनाते हैं, तो सलाद जब हमने बनाया तो सलाद में हम जब इसके खीरा जो है, खीरा लो, दूसरा कोई भी सलाद लो, मूली लो, तो मूली के आप पीसेस बनाइए. आप पीसेस बनाने के बाद आप प्लेट में जो खुश प्लेट है उसमें डाल दीजिए, तो आप इसके ऊपर से साल्ट को छिड़काव या किसी भी मसाले का इसके ऊपर छिड़काव कर दो सलाद पे, तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ वाटर इन अ प्लेट. उस प्लेट में जब हमने खीरा काटा, मूली काटी, उसमें पानी नहीं था, लेकिन जब हमने उस पे साल्ट का छिड़काव किया, छार साल्ट डाला या तो हमने और कोई मसाला उस पे डाला, तो हम कुछ अरसे के बाद देखते हैं कि हमारा वो सलाद में पानी आ जाएगा. जब हम प्लेट को उठाएंगे तो उसके ऊपर से पानी गिरेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस क्योंकि हमारी जो ताजा सब्जी है उसके अंदर पानी होता है और हमने जब इसको नमक के ऊपर से छिड़काव किया तो नमक में कंसेंट्रेशन पानी का कम हो गया और इसके अंदर से जो पानी था वो बाहर आने की कोशिश, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. ये तो एक है. फिर दूसरा, अगर हम किशमिश जो है, किशमिश का आप यूज करते हो तो किशमिश जो है सूखा हुआ होता है, सूखा सा होता है, जब इसको आप पानी में डाल दीजिए तो आप पानी में डाल देंगे तो ये उभर जाता है, ये जसामत में इट एक्सपेंड. व्हेन यू पुट दैट इन अ वाटर इट एक्सपेंड एंड एनी अदर, किसी भी आप बीन्स को, आप किसी भी राजमाश को, दाल को ले लीजिए, उसका जो है वो पहले जो है वो कम होता है, वंस इट इज पुट इन फॉर कुकिंग तो वो बड़ा बन जाता है. इट मीन्स वही ऑस्मोसिस हो जाता है, उनका जो वो जो उनका मेम्ब्रेन है डिस्ट्रॉय नहीं होता तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये था आपके ऑस्मोसिस के बारे में. तो आपको कैसा लगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, तो ये था इसके बारे में. हम नेक्स्ट फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स.